हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड कैसे हो आप सब गाइस? सुबह के बज रहे हैं 5:20 एंड मैं निकल रहा हूँ जिम की तरफ। एंड आज एक काम भी है मेरे को भाई, कि मुझे एक सामान चढ़ाना है बस के अंदर, जो कि बस निकल जाएगी 7:15 पे। तो मुझे अराउंड 7 बजे तक पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? बस स्टैंड पहुँचना है। तो उस वजह से 5:30 से आई गेस कि मैं 6:10 तक वर्कआउट करूँगा। अराउंड 40 मिनट्स आज जल्दी जल्दी वर्कआउट सारा खत्म करना पड़ेगा। एंड उसके बाद 30 मिनट का कार्डियो करने के बाद हम निकल पड़ेंगे अपने बस स्टैंड की तरफ। बट द गुड थिंग इज कि आज मुझे आर्म्स करनी है ट्रेन। तो आर्म्स इज अ स्मॉल मसल यार, क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप दोनों छोटे छोटे मसल्स हैं, तो कम ट्रेनिंग में भी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है मेरे को कि आज मुझे आर्म्स ट्रेन करनी है, तो ईजिली ट्रेन हो जाएंगी भाई, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। अभी अभी चल रहा हूँ जिम की तरफ। बाकी गाइस, आज मेरे को नींद बहुत अच्छे से खुल गई थी, क्योंकि मैं अब कल रात से 9:30 बजे सोया। अब मैं कोशिश करूँगा 9:30 बजे के पास सो जाऊँ, तो इट वुड बी बेटर। एंड मेरी जनरेशन में आई गेस बहुत ही रेयर 1% में तो मैं आ चुका हूँ जो सुबह इतनी जल्दी उठते हैं। आई डोंट थिंक कि हर एक बच्चा इतनी जल्दी उठता है, एटलीस्ट जम्मू में तो कोई नहीं उठता है। कई बंदे तो इस समय सोने जाते हैं जिस समय मैं उठाऊँ। कुछ बंदे गेमिंग कर रहे थे रात को, लेकिन लेट्स लीव इट, क्योंकि मेरे को उनसे कम्पीट नहीं करना है। मैं तो सिर्फ अपने आप को बेटर करना चाहता हूँ। तो आज हम बाइसेप्स ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे। मोस्टली जो वर्कआउट मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था वही करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर मसल के 3-3 एक्सरसाइज करता हूँ, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की और फोर आर्म्स की 2 एक्सरसाइज करता हूँ। बट मैं आज ट्राई करूँगा कि फोर आर्म्स की 1 ही करूँ एंड बाइसेप्स की 2 एंड ट्राइसेप्स की 3 तो मेरे को चाहिए ही है। और ये हो सकता है बाइसेप्स की भी 3 कर लूँ, टाइम पे डिपेंड करता है। बट जो भी करेंगे बढ़िया से करेंगे यार। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, साकेत बंदा है एक यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग उसे जानते होंगे भाई। वो बंदे ने 2 एक्सरसाइज के अंदर पूरी चेस्ट ट्रेन कर दी। मैं हैरान हो गया था भाई उसकी एक्सरसाइज देख कर। इतने टफ सेट लगाता है ना वो बंदा, क्या ही कहना भाई। मान गया था यार मैं, मतलब मेरे यहाँ बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते हैं 2 एक्सरसाइज में, उस बंदे ने अपनी पूरी चेस्ट ट्रेन कर दी। बहुत टफ सेट लगाए उसने। बट चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी हम जिम। तो मिलता हूँ आप सीधा जिम में, बाय। तो गाइस करते हैं अपना वार्म अप स्टार्ट। वार्म अप के लिए 5 kg डंबल्स, जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो बता देता हूँ। 5 kg डंबल से मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वार्म अप कर लेता हूँ। इससे बेसिकली नॉर्मल बाइसेप कर्ल लगाता हूँ मैं, जिससे कि जब मैं इन डंबल्स को छोड़ दूंगा तो बाइसेप्स के अंदर ब्लड फ्लो बन जाएगा एंड फिर अपने आप बाइसेप्स मतलब अपने रेडी टू ट्रेन होंगे। एंड इसके बाद फिर ट्राइसेप्स की भी मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जो ऐसे वाली एक्सरसाइज होती है, इससे हम अपने ट्राइसेप्स को भी ट्रेन कर लेते हैं। बेसिकली ये वेट बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए, क्योंकि मुझे अभी ट्रेन नहीं करना है इनको डायरेक्ट, मुझे सबसे पहले तो इनके अंदर ब्लड फ्लो बनाना है, इनको रेडी करना है ताकि मैं इनको ट्रेन कर पाऊँ। चलो अब इसके बाद करते हैं स्टार्ट अपना वर्कआउट। आज पहले बाइसेप ट्रेन करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। चलो जल्दी से बाइसेप ट्रेन करते हैं। आई विल ट्राई कि 2 एक्सरसाइज के अंदर ही बाइसेप पूरा ट्रेन हो जाए अच्छे से, बट देखते हैं 2 एक्सरसाइज में या 3 एक्सरसाइज में, जल्दी से जल्दी करेंगे। लेट्स डू इट। तो गाइज करते हैं अपना भाई वर्कआउट स्टार्ट। अभी मैं लगाने लगा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1, ईजी कर्ल बार से अपने बाइसेप्स। ईजी कर्ल बार ये जिगजैग वाली होती है एंड इससे लगाते हैं। 5 kg की प्लेट लगाई है मैंने, बाद में बढ़ा लेंगे, पहला सेट मेरा लाइट ही रहता है हमेशा। लेट्स स्टार्ट। तो अब वेट बढ़ा लेते हैं
दोनों साइड 7.5 रखूंगा एंड 16 रेप्स स्क्वीज करते हुए लगाएंगे बढ़िया से। अगर फील हुआ कि इट्स इनफ तो उतना ही रखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा और अपना ऐड कर लेंगे वेट। तो गाइस अब करते हैं अपना सेट नंबर 2, 7.5 केजी ईच साइड, सो 15 केजी प्लस 10 केजी 25 केजी की टोटल लोड बन चुका है। करते हैं स्टार्ट, आई विल ट्राई 16 रेप्स फुल कंट्रोल में। इसमें जब आप नेगेटिव मोशन करते हो ये वाली, इसको स्लो करा करो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 16 रेप्स थे या 18 रेप्स थे। मैंने काउंट, मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है 16 थे या 18 थे, बट जो भी है बहुत तगड़ा पंप आया। अब वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वेट से लगाऊंगा नेक्स्ट 2 सेट और लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब करते हैं अपने पिक्चर कल स्टार्ट। और आज मैं सारी अलग अलग एक्सरसाइज करने वाला हूँ बाइसेप्स के लिए, कोई भी सेम एक्सरसाइज नहीं करूँगा जो लास्ट टाइम की थी। एंड यार ये प्रीचर कर्ल भी मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगता है, सिर्फ ये वाली मशीन। इससे पहले बहुत सारी मशीन्स पे लगाया बट वो सही एंगल एंड सब कुछ सही नहीं था। गाइज अब लगाने लगा हूं मैं सेट नंबर 2, स्टार्ट करते हैं। वेट थोड़ा बढ़ाया मैंने। बहुत ही तगड़ा सेट आया है, सेम सेट सेम वेट से 2 सेट और लगाऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइज अभी मैं करने लगा हूँ डंबल कर्ल्स का अल्टरनेटिव केबल पर, ठीक है। इससे हम यहाँ पर जो अपना हैंडल लगाया है इससे कर्ल लगाना है बाइसेप्स के,
एंड भाई ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको भी पहले करता था एंड बहुत तगड़े रिजल्ट आते थे। आज काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ बट भाई करेंगे, मज़ा आ जाएगा वर्कआउट करके। लेट्स स्टार्ट। अभी पहला सेट बिल्कुल लाइट रखा है मैंने, क्योंकि मेरा बस बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पंप हो गया था उस वाले एक्सरसाइज में, तो मुझे लग रहा था वेट ज़्यादा लग नहीं पाएगा, बट वेट तगड़ा लग रहा है। तो अभी मैं वेट बढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेट में, पहले अभी लेफ्ट साइड का भी लगा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट सेट लगाते हैं। तो गाइज अब लगाते हैं हम नेक्स्ट सेट। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप ये वाला बाइसेप लगा रहे हो तो ये वाला रेस्ट कर रहा है, जब ये वाला लगा रहे हो तो ये वाला रेस्ट कर रहा है, तो इट इज़ गुड कि इसमें ज़्यादा रेस्ट का टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब 15 केजी लगाया है मैंने, दोनों साइड 15 लगा लेता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 2। तो गाइज ये सेट तो बहुत हल्का लगा मुझे, 15 केजी वाला, 20 केजी लगाएंगे दोनों साइड। नेक्स्ट दो सेट लगाता हूँ 20 केजी से, उसके बाद मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइज फाइनली अपना बाइसेप्स का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, अब करना है ट्राइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट। आज स्टार्ट करेंगे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज, इससे करते हैं स्टार्ट एंड उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी दिखाता रहूँगा आपको। लेट्स स्टार्ट। सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैं लगाने लगा हूँ 60 केजी से क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस
मेरे नॉर्मल बेंच प्रेस में 10 रैप आते हैं आई बिलीव इससे, एंड इससे अगर भाई 6 रैप भी आ गए बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बाकी देखते हैं भाई तगड़ा सा करेंगे, लेट स्टार्ट। करना पूरा सही फॉर्म से है लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। तो गाइस 60 kg के 6 से 6 सोचे थे एंड 8 reps आ गए, तो भाई इट्स टाइम टू लेवल अप आवर बेंच प्रेस। अब मैं नेक्स्ट टाइम बेंच प्रेस के 70 kg के ट्राई करूँगा 10 reps, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई अगर ट्राइप्स में इतने ज़्यादा जोर है उसके बाद फ्रंट शोल्डर भी आता है बेंच प्रेस में एंड चेस्ट भी आती है। बाकी देखते हैं यार उस दिन जैसा फील हो रहा होगा, आज ज़बरदस्त फील हो रहा है एंड ये वेट लगाने के बाद और अच्छा फील हो रहा है। अब नेक्स्ट सेट सेम वेट से सेम रेप्स लगाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता हूँ आप सबको। तो गाइस करते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज का नाम शायद ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, मुझे पक्का नहीं पता है, याद नहीं है मुझे। बाकी करते हैं इसको स्टार्ट 7.5 kg के डंबल से। एक सेट कर लिया भाई, नेक्स्ट सेट नहीं कर रहा, मेरे को एल्बो में पेन आ रही है वापस से। मुझे पता नहीं क्यों फ्री वेट से एल्बो में पेन आती है, सिर्फ एक क्लोज ग्रिप बेंच में नहीं आती, मुझे बहुत तगड़ी पेन हुई इसमें। करते हैं अब दूसरे साइड से भी, फिर उसके बाद कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 3 सेट लगाएंगे दूसरी एक्सरसाइज के। भाई मेरे जॉइंट्स के लिए तो ये एक्सरसाइज हेल्दी नहीं है यार, ये नहीं करूँगा आज के बाद। मैंने बहुत टाइम पहले की थी ये, अराउंड 5-6 मंथ पहले की थी, आज करने लगा हूँ। एल्बोज में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, ये वर्कआउट नहीं करूँगा अब। तो गाइज अब लगाएंगे 3 सेट ट्राइसेप पुश डाउन के, ठीक है करते हैं स्टार्ट। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:18 एंड आप सोच रहे होंगे कि यार नेक्स्ट सेट क्यों नहीं आया और कार्डियो भी नहीं हुआ, कार में आ गया डायरेक्ट। तो आपको बताता हूँ यार, नेक्स्ट सेट लगाते समय मेरे को एल्बो में पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो भाई फिर मैंने नहीं लगाया। लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को पेन हो रहा है मैं फिर भी सेट लगाऊंगा तो मैं लेजेंड बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। बी अ स्मार्ट लिफ्टर, ऐसा नहीं है कि आप बस लगाए जा रहे हो। कुछ लोग ये करते हैं कि भाई मैं तो रोज़ ट्रेन करता हूँ जी, 7 days a week ट्रेन करता हूँ, ठीक है 6 days a week ट्रेन करता हूँ। भाई आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस ट्रेनिंग को, उस चीज़ को देखने के बाद आप लगा सकते हो। अगर आपकी बॉडी टायर्ड फील कर रही है, मसल सोरनेस है, सारे मसल सोर हो चुके हैं, तो फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन करके, ओवर ट्रेन करके कौन से लेजेंड बन जाओगे। तो अपने बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी किस समय पर क्या डिमांड कर रही है एंड उस हिसाब से आप वर्कआउट करो अपना, ठीक है।
बाकी मेरे को एल्बो में बहुत ज्यादा पेन होगी, तो इसलिए फिर मैंने वो जो अपना वर्कआउट था वो खत्म कर दिया वहीं पर। मैंने कहा अब और वर्कआउट नहीं करूंगा यार ये वाला, क्योंकि कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी पेन, क्या फायदा है ना, खामखा अपने बाकी सारे वर्कआउट स्किप होंगे फिर। इसलिए मैंने आज ट्राइसेप्स को छोड़ दिया, अब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा ट्राइसेप्स का वर्कआउट। एंड आज तक ना मैंने कभी सुपर सेट ट्राई नहीं किया, तो सुपर सेट भी ट्राई करेंगे। अभी मैं गया था यार बस स्टैंड में, आपको बताया था मैंने, एक बस में सामान देना है, वो देकर अभी जा रहा हूँ वापस। एक्चुअली जब मैं पहला सेट लगा रहा था तब 5:50 आई थिंक 50 मिनट हो गए थे, तो मैंने कहा यार 20 मिनट और वर्कआउट करूंगा सिर्फ। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, हम कार्डियो सामान चलाने के बाद करेंगे। तो वर्कआउट मेरा वहां पे पेन की वजह से सडनली बंद हो गया, तो अभी मैं सामान चढ़ाकर वापस जा रहा हूँ जिम की तरफ। जिम में जाकर मैं करूंगा कार्डियो, बट कार्डियो की क्या ही वीडियो बनानी है, तो आप लोगों को वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। बाकी मैंने कभी सुपर सेट ट्राई नहीं किया अपने लाइफ में, लाइक 2-3 साल से कभी कभी बीच में किए हैं, पर प्रॉपर जो होता है ना सुपर सेट वाला वर्कआउट की, हाँ यार मैं तो इस वीक सुपर सेट्स लगाऊंगा, ठीक है, तो वो सारा काम नहीं किया मैंने आज तक। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से सुपर सेट भी ट्राई करेंगे। और भी कुछ बातें करनी है आपसे, आज बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक और बात करना चाहता था आपसे मैं, कि कल वीडियो नहीं आएगी। कल क्यों वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी टाइम बाद मैं लेग डे लगा रहा हूँ, आई डोंट नो कि मतलब मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत ज्यादा सोरनेस हो जाएगी आई बिलीव। एंड सेकेंड थिंग कि कल मैं काफी सारी नई एक्सरसाइज सीखने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक 3 से 4 नई एक्सरसाइज सीखूंगा, तो वो मेरे को जो जिम के ओनर हैं, जो मतलब खुद ही ट्रेनर भी हैं, उनसे ही सीखूंगा। उनको बोलूंगा भैया मेरे को एक्सरसाइज सिखाओ, सही फॉर्म सिखाओ, किस मसल को ट्रेन करते हैं उस चीज के बारे में बताओ मेरे को, वो सारी चीजें समझूंगा। एंड एट द सेम टाइम मेरे को भाई कल काम पे भी जाना है, तो कल जॉब का एक टफ डे है, जो कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि टफ डे एट माई जॉब, तो वो वाला दिन है कल, तो मेरे को लंबा रूट है, पूरा सुबह से लेकर शाम पूरा दिन निकल जाएगा वर्कआउट करने के बाद, पूरा दिन बिजी रहूंगा मैं, ना तो मैं पढ़ पाऊंगा ना मैं कुछ कर पाऊंगा। तो इसलिए फिर मैं कल वीडियो भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कल पूरा दिन काम पे आऊंगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल की वीडियो रहने देते हैं, आज की वीडियो आप देखो। कल मैं थोड़े से यूट्यूब से शॉर्ट डाल दूंगा, आप वो चेकआउट कर लेना याद से। ये गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।